मैं अब ऐसे महान शख्स को इस गूगल मीट में आमंत्रित करने का आह्वान कर रहा हूं। मैं उनके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने आज हम लोग जितने लोग एकत्रित हुए हैं तो उन्हीं का ये कर्म निष्ठा की वजह से हो पाया हूं। मैं उनके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत ही कर्मठ इंसान है जो एक बार ठान लेते हैं, जो अपने आप से कमिटमेंट कर लेते हैं, फिर अपने आप के भी नहीं सुनते। ऐसे शख्स को मैं आवाज देने जा रहा हूं, उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगा कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि कुछ बुरा होगा। बढ़ते रहो मंजिल की ओर, हम कुछ ना मिले तो तजुर्बा तो नया होगा। मैं ऐसे शख्स को उनके लिए एक बात और कहना चाहूंगा कि कह दो मुश्किलों से थोड़ा कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाए। मापना चाहते हो मेरी हिम्मत को तो कह दो आसमान से थोड़ा ऊपर और उठ जाए। तो मैं ऐसे शख्स को आवाज देने जा रहा हूं, कमल ऑन द स्टेज, मिस्टर विजय बल्दास सर, प्लीज हैंड्स टुगेदर, विजय बल्दास सर, कमल ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच रतन सर, बहुत बहुत लाजवाब होस्टिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर, तहे दिल से आपको आज बहुत अच्छी बातें आज हुई, आज अच्छा मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज मेरे ग्रेट लीडर अनीश सर भी बहुत अच्छी बातें आज बिल्कुल आज ऐसी बातों को रखे हैं कि शायद आज कोई अगर उनकी आवाज़ को जो सुनेंगे उनको लगेगा कि हाँ बिल्कुल जो लीडर की जो काबिलियत है, जो लीडर की जो बातें हैं, जो लीडर जो पहचान है वह झलक रही थी और एकदम बेहिचक, एकदम बिंदास, एकदम जिस तरह से होना चाहिए बिल्कुल उसी तरह से हमारे बीच में आज पेश आए हैं। मैं यही चाहता हूं कि जो भी इस मंच पर आते हैं इसी के साथ, इस हुनर के साथ, जज्बे के साथ अपने वाणी को रखें, बस अपने आप को भूल जाए और दूसरे के लिए प्रेरित हो जाए और खड़ा हो जाए और दूसरे को बताने के लिए तत्पर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारे मंच पर जो लीडर बनते हैं वो लाजवाब है और दिलचस्प है। सो मैं अपनी स्पीच स्टार्ट करने से पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर का आज्ञा लेना चाहूँगा। आज मैं आप लोगों को कुछ अच्छा सा दिन, आज दिल दहाड़ने वाली आवाज़ है, आज ऐसे जुनून के साथ मैं आपके साथ हूँ कि आज का स्पीच जो भी सुनेगा, आज का स्पीच मंच से जो निकलेगा, आज का स्पीच जो दिल से निकलेगा, सो आज आप लोग भी सुने और आने वाले जो भी जनरेशन आएंगे पर्लवान में वो सुनेगा। जी हाँ, कहते हैं दोस्त, बहुत गई थोड़ी रही यूं ही बीती जाए, बहुत गई थोड़ी रही यूं ही बीती जाए, ताल भंग मत होइयो गुले दाग लग जाए। जी हाँ दोस्तों, ताल भंग मत होइयो गुले दाग लग जाए। दोस्तों जिंदगी में उतार चढ़ाव पड़ाव बहुत है, बहुत, लेकिन जो लड़ना नहीं जानता दोस्त वो कभी जिंदगी को पार नहीं कर सकता, कभी नहीं पार कर सकता। इसीलिए मैं शब्द को दोहरा रहा हूँ फिर से दोबारा, बहुत गई थोड़ी रही यूं बीती जाए, बहुत चली गई है अब कुछ बचा नहीं है, जो चला गया सो चला गया, और जो आने वाला है वो तो आएगा ही आएगा, उसी को तो रोक ही नहीं सकता है आप न मैं।
इसीलिए बहुत गई थोड़ी रही, यूं ही बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, कुले दाग लग जाए। जी हाँ दोस्तों, कुले दाग लग जाए। दोस्त मैं बताना चाहूँगा आज का सेशन, आज का ये टॉपिक, आज का ये जज्बे वाला हुनर की आवाज़, मैं इस मंच के माध्यम से मन सारे लीडरों को जो भी इंटरनेशनल को आयोजित किए हैं, जो भी इस लीडर में उस सबको जगाने का जो प्रयास कर रहे हैं, अपने अपनी बात वाणी से, अपने अपने हुनर से, अपने अपने जज्बे से जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन लोगों को इस स्पीच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पर्लवा इंटरनेशनल की आज जो ताकत है और पर्लवा इंटरनेशनल में क्या ताकत है और आपको पर्लवा में करना क्या है, क्योंकि आज का टॉपिक आपके सामने मैं अपने पूरा एक्साइटेड के साथ लेकर आया हूँ दोस्त। गोल गोल आज का टॉपिक है आपका गोल। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका गोल। दोस्तों मेरा नाम विजय बिल्दार, मैं पर लवाइन खुलेआम करता हूँ। इस मंच पर बने सभी दोस्तों को मैं सलाम करता हूँ। जी हाँ दोस्त, मैं विजय बिल्दार मुराडे कॉलोनी 707 नंबर से क्वार्टर से बिलोंग करता हूँ। आज पर लवाइन इंटरनेशनल को पौने दो साल से मैं इसे रीड कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। दोस्त सीखते लिखते क्रम में आज जो मैं जो सीखा हूँ, मैं आज आपको सामने बताने का प्रयास करूंगा कि पर्लवा इंटरनेशनल जो शख्सियत ने बनाया, डॉक्टर डेनियल जॉनसन ने जो बनाया है, मैं उस वाणी को, मैं उस प्रगट को मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं गोल के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, गोल के माध्यम से आज आप जो सुनेंगे वो आपको लगेगा कि नहीं, वो गोल ही उनका वाणी था और गोल ही के माध्यम से वो सिस्टम तैयार हुआ और गोल ही हम लोग को चाहिए इस पर्लवा में करने के लिए। जो गोल नहीं कर पाते हैं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, और गोल ही आपका पर्लवाइन का मकसद है। मैंने नेक्स्ट मीटिंग में आप लोग सभी को मैं बताया था कि लक्ष्य के बारे में, कि पर्लवाइन में आप लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे, उस सेशन को, टॉपिक को बताना चाहूँगा। आज मैं इस सेशन में उस टॉपिक को बताना चाहूँगा कि दोस्तों गोल, मैं बताना चाहूँगा गोल। गोल अनमोल है, गोल अनमोल है। जी हाँ दोस्तों, गोल अनमोल है, उसकी कोई मोल नहीं है। अगर कोहिनूर हीरा को कोई मोल लगा सकता है? कोई नहीं। आप जो वर्ड बोले हैं, आप में जो वर्ड में जो जो बातें थी, जो आपके वर्ड में जो नॉर्मलता थी, जो वर्ड में जो आपका जो जुनून था, वर्ड में जो दिल से जो निकल रही थी, उसको कोई मोल लगा सकता है? कोई नहीं मोल लगा सकता दोस्त। इसीलिए गोल अनमोल होता है। लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। दोस्तों सबसे पहले ये जानना होगा कि गोल का मतलब क्या होता है। आज हम लोग पर्लवा इंटरनेशनल में बहुत कहते हैं और बहुत चिल्ला चिल्ला के बहुत बड़े लीडर कहते हैं कि वर्क पर फोकस करिए, वर्क पर फोकस करिए, रेगुलर फोकस करिए, सावर पर फोकस करिए। आप वर्क करेंगे तो आप जीतेंगे, हमारे बड़े लीडर इसको बताते रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों आज इस गोल के माध्यम से कि गोल का मतलब क्या होता है, पर्लवा में क्या गोल सेट करना है। मैं बहुत बड़ा मीटिंग में भी गया और सुना भी और देखा, और मैं गुणत्व भी करता रहता हूँ कि गोल सेट करें, गोल सेट करें। क्या है गोल? मैं इस वाणी से बताना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि मैं नहीं जानता कि कोई गोल सेट कर सकता है। नो, मैं एकदम 100% लिखित, क्योंकि जो मैं आज बोलने जा रहा हूं, मैं इस मंच के माध्यम से बताने जा रहा हूं, सो आप सभी को जो भी ये सिस्टम को देख रहा है, सुन रहा है, सीख रहा है, जो कर रहा है, वो गुना करें और तय करें कि क्या मैं गोल सेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं या क्या कर सकता हूं, और तय करें। यहां दोस्तों आज का टॉपिक आपका है गोल। दोस्तों गोल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि सूरज गोल दिखता है, चांद गोल दिखता है, और तो और पृथ्वी भी गोल दिखता है। पृथ्वी पर जो भी दिखता है दोस्तों, पृथ्वी पर भी जो दिखता है ना, वो भी गोल है। जैसे खेलने वाला फुटबॉल और क्रिकेट का बॉल, जो भी गोल दिखता है, और तो और जीरो भी गोल दिखता है, जीरो। आप जिस तरह गोल को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा हूँ दोस्तों, प्रयास कर रहा हूँ कि गोल का मतलब क्या होता है। जो आप दिख रहे हैं उसको हम लोग गोल समझते हैं, बिल्कुल, लेकिन जिंदगी का गोल क्या है, और इस गोल के माध्यम से आपकी लाइफ का गोल को मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ का गोल कैसे सेट करेंगे या कर सकेंगे कि नहीं या करेंगे, ये आप पर डिपेंड करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों साल भर हम लोग पढ़ाई करते हैं, साल भर आप किसी एजुकेशन पर्सन के जाइएगा और पूछिएगा, दोस्तों साल भर,
साल भर हम पढ़ाई करते हैं और खराब प्रदर्शन करने के लिए बोलिएगा आप लिखिए मैथ बोर्ड परीक्षा में, मत लिखिए। तो इत्तेफाक से दोस्त मैं कहना चाहूँगा उस आदमियों के लिए, उस व्यक्तियों के लिए कि साल भर पढ़ाई करने के बाद खराब प्रदर्शन करने रहा तो उसको लड्डू मिलेगा, लड्डू। इत्तेफाक से लड्डू भी गोल होता है जी हाँ दोस्तों, लड्डू, क्योंकि वो साल भर क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, लेकिन जब उसके इम्तिहान का समय आ गया, जब उसको बताने का समय आ गया, लिखने का समय आ गया, कहने का समय आ गया, तो उस समय क्या हो गया, जीरो। उस समय हो गया जीरो, लड्डू मिल गया उसको, फेल हो गया, कोई प्रदर्शन नहीं। इत्तेफाक से मैं बताना चाहूंगा दोस्त कि लड्डू भी गोल होता है। जी हाँ, अगर आप गोल सेट करना चाहते हैं तो गोल की परिभाषा का उदाहरण होगा, जैसे मैं बताया कि मैंने बताना चाहे आपको उस तरह जन्म दिया, सूरज चांद पृथ्वी फुटबॉल क्रिकेट का बॉल, जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सूरज गोल है पर उसमें कितनी गर्मी है, कितनी आग है उसमें, चांद गोल है पर उसमें कितनी शीतलता है, कितनी ठंडापन है, फुटबॉल जो मैदान में लात घूसा खाकर गोल पोस्ट के अंदर जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह क्रिकेट के पिच पर क्रिकेट बॉल को जीरो के जोरों से फेंका जाता है और उसे बैट से जोरों से मारा जाता है, उस गोल को जो आप देख रहे हैं, गोल को जोरों से मारा जाता है, तब वो बॉल बाउंड्री के बाहर जाता है, तब अपना नाम करता है वो, तब जाके नाम करता है। क्यों, कैसे, क्योंकि उसको इतनी बड़ी चोट लगी है, इतनी बड़ी बैट से मारा जाता है कि वो कम से कम 50 फीट ऊंचाई, 100 फीट ऊंचाई से वो बाहर फेंका जाता है और तब अपना नाम करता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिक्स। तब हम लोग बहुत खुश होते हैं, मजा लेते हैं और तालियां मारते हैं और जोरों से सोच इंजॉय करते हैं कि वाह वाह क्या ताली मारे का सिक्स लग रहा है। थोड़ा सोचिए दोस्त, थोड़ा सोचिए कि गोल कितना अनमोल है। क्या आप इस तरह से गोल सेट करना चाहेंगे, तो फिर तैयार हो जाइए पर्लवाइन इंटरनेशनल में गोल सेट करने के लिए, क्योंकि पर्लवाइन में इन्वेस्टमेंट करने का आपका कोई गोल सेट नहीं होता, पर्लवाइन में कोई इन्वेस्टमेंट करने का कोई गोल सेट नहीं होता, वो आपका लक्ष्य है। आप लक्ष्य से भेज सकते हैं, आप चाह रहे हैं कि वहां पहुंच जाए चोटी पर, तो आप लक्ष्य है, जब पहुंचने की सिर्फ पारी है, तो मैं लक्ष्य बताया था बस उसको रिसीव कैसे करना है, आप हेलीकॉप्टर से चले जाइए, आप काहे गाड़ी घोड़ा से चले जाइए, वो आपका लक्ष्य है, पहुंच गए, लक्ष्य मिल गया। लेकिन गोल को मैं बताना चाहूंगा कि पर्लवाइन इंटरनेशनल गोल सेट करने के लिए पर्लवाइन में इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को गोल सेट नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, नहीं कर पाओगे, पर्लवाइन इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, पर्लवाइन इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, फुल्ली वर्किंग प्लान है, फुल्ली वर्किंग। जो समझ में अभी को नहीं आ रहा है, तभी तो सभी कोई इन्वेस्ट करके अपना रैंक को बढ़ा लेते हैं। और जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्ट करके रैंक लेना कोई गोल नहीं सेट होता है, उसको गोल सेट नहीं होता, वो तो लक्ष्य है जो आपने चाहा और आपने पा लिया, इन्वेस्ट करके लक्ष्य को पा लिया, लेकिन गोल नहीं सेट कर पाया। और जो पर्लवाइन में गोल सेट किया वो आज पैसे की फ्रीडम जिंदगी जी रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि गोल अनमोल है। क्या आप पर्लवाइन के में 10 अकाउंट ओपन करते हैं 10 अकाउंट आप ओपन करते हैं तो कौन सा रैंक ले पाएंगे आप लोगों, थोड़ा हम लोग सोचेंगे इस रैंक को लेना पाएंगे। कोई गोल नहीं और कोई लक्ष्य नहीं, चाहे वो आप इन्वेस्ट करके लक्ष्य को पा लिए लेकिन गोल नहीं सेट कर पाएंगे। जो पर्लवाइन में गोल सेट किए हैं वो आज पैसे की फ्रीडम जिंदगी है। जी हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ गोल अनमोल है दोस्त, गोल अनमोल है। आप पर्लवाइन में 10 अकाउंट ओपन करके करते तो हैं, आप ओनेक्स ही बन पाते हैं, पर क्वाच बनने के लिए तो क्या चाहिए, 1000 डीपी चाहिए आपको। तो क्या आप क्वाच बन रहे हैं, आप नहीं बन पा रहे हैं क्वाच, आप इन्वेस्ट करके क्वाच बनते हैं, क्योंकि आप सूरज की तरह जलना नहीं चाहते, आप चांद की तरह शीतलता नहीं रहना चाहते हैं, और आप फुटबॉल की तरह लात घूसा खाना नहीं चाहते हैं, और क्रिकेट की बॉल की तरह पीटना नहीं चाहते हैं। आपको डर लगता है कि मैं फील्ड में जाऊंगा तो मुझे क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, मैं लज्जा हूँ, शर्म हूँ, घिन घिन भावनाओं से मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि सर मैं पर्लवाइन करता हूँ, मैं एमेथिस्ट हूँ, मैं रूबी हूँ, मैं टोपाज हूँ। जी हाँ दोस्तों, सभी अपनी तरह से अपने वाणी को रखते हैं और बोलते हैं, क्या
10 अकाउंट खुलने के पर क्या है, आपको 150 DP बनेगा, 150 DP। आप गोल सेट करते हैं, गोल सेट कैसे, गोल सेट नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। मैं दावे 100% लिख के देता हूँ, किसी से नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लांट नहीं है। इन्वेस्टमेंट करके ही बर्बाद कर दिया भारत को, सभी को, यहाँ के लीडर टोटल इन्वेस्टमेंट करके बर्बाद कर दिया इस भारत को, पार्लियामेंट को। क्वाच बनने में 1000 DP लगता है, नहीं 75,000 रुपया कौन लगाएगा 75,000 रुपया। और सब बहादुर गिनाते हैं, मंच पर बैठे, मैं क्वाच हूँ, मैं थिस्ट हूँ, मैं रूबी, मैं टोपाज हूँ। अपने आप में ऐनक के सामने खड़ा होकर देखिए, अपने आप को ऐनक के सामने खा के कसम खाइए और देखिए, बोलिए कि मैं क्वाच हूँ, मैं थिस्ट हूँ, मैं रूबी हूँ, मैं टोपाज हूँ। कोई देखिया होगा अपने से बात करे कि पार्लियामेंट इंटरनेशनल क्या चीज है, समझना उसकी किस्मत में नहीं है, सिर्फ पैसा लगाना उसे किस्मत में, पैसा लगाना। सूरज में जितना आग है तब तो गुल दिखता है और दुनिया को रोशन देता है। क्या आप में उस आग है, आप दिखना चाहते हैं गोल या सेट करना चाहते हैं, आपको कोई दुनिया देखे, आप कभी नहीं चाहते। सूरज ढलने के बाद चांद भी उगता है, 24 घंटा का सर्विस है ऊपर वाले के लिए भी, पार्लियामेंट में भी 24 घंटा सर्विस है। चांद भी उगता है, चांद भी ठंडापन शिलापन देती है रात में, कि चलो दिन में तो कोई आग से झुलस गया होगा, सूरज की रोशनी से अति हो चुका है, तो मैं ठंडा भी दे देता हूँ, वो भी गोल है। क्या उस तरह ठंडापन आप रहते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि मैं तो क्वाच मार लूंगा, मैं 1000 DP लगा दूंगा, 75,000 लगाओ, भेजो पैसा आ जाएगा, क्वाच मार दूंगा, ऑटो पुल का पहला नंबर आएगा। बोलो बैग कहीं का कैसे आएगा ऑटो पुल, कैसे आप ऑटो पुल कमाना चाहते हैं पार्लियामेंट में। क्वाच आपके पास पैसा, आपने लगा दिया पैसा, आपके पास पैसा है, आप लगा दिया 1000 DP से, रैंक ऊंचा कर लिए, लेकिन ऑटो पुल कैसे आएगा आपके पास, जो लगाएगा क्वाच उसी से आएगा। आपके पास पैसा आप लगा दिए, अगले पार्टी के पास पैसा है, अगले पार्ट पास पैसा नहीं है, तो कैसे कैसे आपका ऑटो पुल आएगा आपके पास, जो क्वाच नहीं होगा आपको ऑटो पुल कैसे आएगा। हम लोग लीडर महानता गिनाते हैं, बलवान गिनाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, सिर्फ क्वाच करिए। अरे अगले आदमी को पार्लियामेंट क्या है, परिवार हो, परिवार को मुड़िए ठेंगे जाइएगा परिवार को, आपके घर में बेटा आपका काम नहीं करता है, आपका बेटा आपका आपका ही खाकर आप ही को डांटता है, क्या करते हैं उसको, प्रेशर करते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या भेजते हैं, कभी नहीं करिएगा। उसी तरह से पार्लियामेंट इंटरनेशनल परिवार की तरह चलाइए इसको, वर्किंग के फोकस करिए, वर्किंग कि हाँ, गोल सेट करना आसान नहीं है, आप इन्वेस्ट करके जा रहे हैं, आप लक्ष्य को सिद्ध रहे हैं, लेकिन आपको ऑटो पुल का कोई इससे मतलब नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत बड़ा खतरनाक होता है जो आप करके बैठ जाते हैं सिस्टम में, और खतरनाक ये होता है कि आप तो इन्वेस्ट कर दिए, आपका पैसा है, लेकिन आप चौथे लेवल में ऑटो पुल, चौथे लेवल में आपका क्वाच का 500 DP अभी 400 DP आ रहा है। अब चौथा लेवल में जो व्यक्ति है, आप ईमान से बोलिए, आप जो ईमान से सोचिए कि हमने तो क्वाच किया, लेकिन हमको क्वाच निकालने के लिए दो को क्वाच करेंगे, मेरा पास निकलेगा, लेकिन दो आदमी जो क्वाच करेगा क्या उसके पास पैसा है, क्या वो कर पाएगा, हम लोग उसको नहीं सोचते हैं, लेकिन अपना स्वार्थ के लिए हम लोग सोचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप क्वाच नहीं करिए, आप करिए, एमेथिस्ट करिए, टोपाज करिए, रूबी करिए। मैं तो चाहता हूं कि मेरा टीम सारा टोपाज करे, सारा आदमी टोपाज रूबी तक जाए, मैं चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अपने आगे पीछे सोच तो लीजिए कि मैं जहां पर दाव लगा रहा हूं, जहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि पार्लियामेंट इन्वेस्ट करने के लिए बोला क्या, नोटिफिकेशन दिया है क्या सभी को, कि नोटिफिकेशन दे दिया क्या, नोटिफिकेशन दिया भाई 1000 DP लगा के इन्वेस्ट करके चल जाइए। लेकिन लीडर लोग, सारे लीडर लोग इन्वेस्ट करके अगले आदमी को इन्वेस्ट करवा देता है, और आदमी के एक दूसरे को विरोधी खड़ा करा देता है, क्योंकि मैं अगर क्वाच मारा हूं, अगर मुझे क्वाच नीचे से चौथा नंबर में नहीं आ रहा है, तो मैं उनसे बिगड़ूंगा, मैं थोड़ा सा अंदर से कुड़ूंगा, करो हम तो प्रेशर करेंगे सर, क्वाच करिए, क्योंकि मेरा बनेगा तो मैं क्वाच का प्रेशर करूंगा। लेकिन उस प्रेशर में उसका क्या दिक्कत हो रहा है, यह कोई समझता है, कोई नहीं समझता इस चीज को। गोल सेट करना है पार्लियामेंट इंटरनेशनल में, तो वर्किंग करिए, वर्किंग करके दिखाइए, आग की तरह, सूरज की तरह झलक के दिखाइए। फुटबॉल ग्राउंड में मार लात 12 खिलाड़ी मारता है उसको, इतना मारता है उस बॉल को कि बॉल का धज्जा कबड़ जाता है वो बेचारे को। उस गोल को थोड़ा सोचिए, तब जाके गोल पोस्ट के अंदर एंट्री करता है, और तब जाके हल्ला बोल होता है, तब आदमी खुश होता है। कैसे
क्योंकि इतना घूसा खाने के बाद, इतना लात मार होने के बाद वो गोल पोस्ट के अंदर घुसता है, तब जाके वो संतुष्टि मिलता है सभी को कि मैंने गोल कर लिया। अब उसकी सवासी देखिए, और कोई उठा के बोल अपना हाथ में पकड़ के पैरों से कोई रोके नहीं और जाके गोल पोस्ट में डाल दे, कोई हल्ला बोलेगा, कोई चिराएगा, कोई कहेगा, कोई नहीं कहेगा, बोले ये तो फॉल्ट है, ऐसे थोड़ी होता है। उसी तरह से क्वाच से शुरू होता है आपका गोल सेट। आप 10 अकाउंट खोलेंगे, आप ओनेक्स तक जाएंगे, बेहिचक जाइए, लेकिन क्वाच आप गोल सेट करके जा सकते हैं। ताकत आपकी है तो दम है, तो गोल सेट करके दिखाइए और गोल से आप क्वाच बन के दिखाइए। तब मैं इस मंच में मैं कसम खाता हूं कि अगर एक गोल सेट कर लिया हर कोई, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना पर्ल है सारा आदमी लखपति करोड़पति बन जाएगा, सारा आदमी लखपति करोड़पति बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सारा आदमी, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। 75,000 रुपया कोई मामूली पैसा नहीं है, 75,000 रुपया कोई मामूली रुपया नहीं है। आप 75,000 रुपया में अकेले इन्वेस्ट करते हैं, आप क्वाच बनते हैं कैसे, ऑटो पुल लेने के लिए। लेकिन अभी 75,000 रुपया आप लगा दीजिए तो आईडी पर्ल बना दीजिए, कितना पर्ल बनेगा, तो जितना पर्ल बनेगा उस सारा पर्ल का कॉम्बिनेशन करके जोड़ लीजिए, पता चलेगा कि 75,000 में कितना पर्ल बना, तो कितना ऐसे इन्वेस्ट कर चुके पर्ल बाइन में और सबको पर्ल नहीं बनाया। पर्ल बना के देखिए, पर्ल का ऑटो पुल सज जाएगा सबको। 43,856 डॉलर बनता है दोस्त 8 लेवल में। कौन सा रैंक चाहिए आपको? आपका पर्ल का ऑटो पुल से आपका रैंक चला जाएगा, लेकिन ये सोच किसी का नहीं है, कोई नहीं सोचता है, ये कोई नहीं सोचता है कि मैं किसी का आईडी लगा दूं, किसी का पर्ल बना दूं, कोई नहीं सोचता है। लेकिन अपना हम कमाएंगे 39 करोड़ रुपया, हम कमाएंगे 196 करोड़ रुपया, हम कमाएंगे 393 करोड़ रुपया, हम कमाएंगे 786 करोड़ रुपया। सब अपने अपने मकसद के लिए अपना अपना इन्वेस्ट करके चल जाते हैं और नीचे वाले को फोर्स करते हैं और बताते रहते हैं। दम है तो सबको रूबी बनाइए, सबको क्वाच बनाइए, आप है पैसा तो इन्वेस्ट करिए, आपके पास पैसा तो इन्वेस्ट करके आप दूसरी को बता देते हैं और अगला पार्टी को नहीं तो उसको इन्वेस्ट कराने के लिए आप नौबत खड़ा कर देते हैं। जहाँ दोस्तों, मैं विजय बेलदार, मैं छाती ठोक कर ईमान से बोलता हूँ, मेरा जितना भी टीम है मैं वर्क करना चाहता हूँ, वर्क पर ही काम करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम में अगर ताकत होगी, डॉक्टर धीरेन्द्र का ईमान होगा, डॉक्टर धीरेन्द्र जो सिस्टम को चालू किया है तो वो समझे कैसे चलेगा आपका पर्लवान, कैसे चलेगा आपका थीम। आप 1 लाख 2 लाख का बिजनेस करते हैं, बिजनेस को कैसे चलाना है आप डिसाइड लेते हैं, ग्राहक नहीं, आप जैसे 1,000 ग्राहक हैं वहां पर, लेकिन आपको बिजनेस चलाना है, आप कैसे चलाएंगे डिसीजन आप लेंगे। कौन जानता था कि आपका पर्ल का रोटो पुल रुक जाएगा इतना दिन, किसी किसी का 1.5 साल हो गया, किसी किसी का 2 साल हो गया, अभी तक पर्ल का झलक नहीं दिख पाया रोटो पुल। और इन्वेस्ट करके भाई लोग क्वाच, एमेथिस्ट, रूबी टोपाज करवाने में लगे हुए हैं। पर्ल बनाइए, पर्ल, हम यही कहना चाहेंगे इस मन से मानसर, पर्ल बनाइए। आप जितना पर्ल बनाइए, जितना इन्वेस्ट करते हैं उसको आप पर्ल बनाइए। देखिए पर्ल का ऑटो पुल का तो एंट्री नहीं करता सभी को, लेकिन कोई चाहता नहीं है कि मैं किसी को पैसा लगा दूं, अपना पर पैसा लगा के बढ़ जाइए तो होगा ना, मिलेगा, मर जाइएगा तब मिलेगा, आने वाला समय जब मिलेगा ना तब मिलेगा। हम लोग इस सिस्टम को सीख रहे हैं, देख रहे हैं, हम भी आज इस सिस्टम को आज भी रीड कर रहे हैं कि सिस्टम किस तरह से चल रही है, क्या हो रही है। चलाना होगा डॉक्टर डेन जिस उनको सिस्टम को कैसे चलाएगा वो जाने। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा दोस्तों, युद्ध हो रहा है, युद्ध डॉक्टर डेनियल जोसन और पूरा 156 कंट्री से युद्ध हो चुका है, क्योंकि जिसने उस परमपिता परमेश्वर डॉक्टर जी ने, उसको मैं नमस्कार करता हूं और कहना चाहता हूं उस व्यक्ति ने जो युद्ध छेड़ चुका है ना दोस्त, वो 156 देशों में जहां जहां सिस्टम जाएगा वहां पर उनके लिए एक कतार खड़ा होने जा रहा है दोस्त, वो समझेंगे कैसे। मैं उदाहरण से बताना चाहूंगा महाभारत के एक श्लोक से, महाभारत की एक स्टोरी से। यहाँ दोस्तों, आप युद्ध जो ऐसा हो चुका है कि कौरवों पांडवों का युद्ध आप देखे होंगे महाभारत में, कौरवों का सेनापति आपका भीष्म पितामह थे। थोड़ा गौर से सुनिएगा इस चीज को, कौरवों का सेनापति भीष्म पितामह थे और हजारों की संख्या में उनकी सेना थी। लेकिन दोस्त, जब भीष्म पितामह जब युद्ध में गए, पता है उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसको कोई मार नहीं सकता था भीष्म पितामह को। लेकिन उस युद्ध में टिके हुए हैं, उस युद्ध में युद्ध कर रहे थे। जब युद्ध लगातार चल रहा तो दुर्योधन बोलता है, मामा भीष्म पितामह को जान मार देंगे, हम भीष्म पितामह को हटा देंगे, लगता है अपने से गला घोट दो उसको, क्योंकि निर्णय नहीं निकल रहा,
निर्णय ही नहीं हो पा रहा है कि युद्ध हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि भीष्म पितामह तो इच्छा मृत्यु का बदला लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो वध नहीं करेंगे पांडवों को। अब पांडवों का वध नहीं करेंगे, युद्ध जीतेंगे नहीं, और पांडवों भीष्म पितामह को मार सकते नहीं, तो युद्ध तो ठहर गई ना, दोनों पार्ट में युद्ध ठहर गई, कहां से होगा जीत, कहां होगा। डॉक्टर डेनिलसन ने बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर विजनरी परमेश्वर ने बना तो दिया, ये तो छेड़ दिया, लेकिन जो सेनाएं है ना 156 देशों को, जो हम आप सभी लीडर जो सेनाएं है ना, जो डॉक्टर डेनिलसन को समझ नहीं रहे हैं और उनको पीठ पीछे छुड़ा भोक रहे हैं, पीठ पीछे छुड़ा भोक रहे हैं। जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा वो व्यक्ति वर्किंग प्लान बनाया है एक दान के रूप में, एक महाकल्याण के रूप में, कि आप 2250 दे के एक दूसरे को मदद करिए। आप ब्लड देते हैं ना, रक्तदान होता है तो शिविर लगता है, तो भाई लोग जाकर रक्तदान करता है। आप थोड़ा सा 2250 देख के दान नहीं दे सकते, यहाँ पर दान देख के आप किसी को मदद नहीं कर सकते हैं, क्या बिगड़ जाता है 2250 में किसी का, क्या हो जाएगा 2250 में किसी का, ये सोच किसी का नहीं है। लेकिन डॉक्टर डेनिल जॉनसन का जो सोच है, उस सोच पर सब पानी फेर रहा है, आदमी इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट प्लान बना चुका है पार्लियामेंट को सिस्टम। जब मैं यहीं पर आना चाहूंगा, दोबारा उस मैटर पर आना चाहूंगा कि जब विश्व पितामह को इच्छा मृत्यु बदर है, तो पार्लियामेंट इंटरनेशनल जो तैयार किया डॉक्टर डेनिल जॉनसन ने, तो तैयार कर चुका है। अब युद्ध उनको जीतना है और उनको करना है कि मेरा पार्लियामेंट कैसे चलेगा, आर्थिक आजादी अभियान, सबका साथ सबका विकास, पार्लियामेंट इंटरनेशनल कैसे चलेगा। जी हाँ दोस्तों, वो बैठा है, चलेगा। जब पांडवों का युद्ध जीतना है दोस्त, तो भीष्म पितामह को हटाना ही पड़ेगा। जिस तरह से पार्लियामेंट को चलाना होगा, तो डेनिल जॉनसन को सोचना पड़ेगा, जी हाँ, कि मेरा जो सेना है, जो सेनाएं से मैं युद्ध कर रहा हूँ, जो विपक्ष में मेरा है, मैं उसको सिस्टम में कैसे चलाऊँ, उसको किस तरह से चलाऊँ, कैसे चलाऊँ, वो सोचेगा वहाँ बैठा बैठा। दोस्तों, किसी का ना किसी कमजोरी होती है, हम लोग का कमजोरी है इन्वेस्टमेंट कराना, इन्वेस्ट करा दीजिए और काम करिए। लेकिन वो चीज़ नहीं सोचा डॉक्टर डेनियल ने, बोला कि नहीं इन्वेस्टमेंट तो अच्छी बात नहीं, लेकिन वो तो आपको बोलने नहीं जा रहा ना, आप प्लान नहीं सीख रहे, सीख नहीं है, रीड नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे हैं, तो कैसे आप प्लान को अपडेट करिएगा। दोस्तों, डॉक्टर डेनियल जॉनसन बेचारे तो युद्ध छेड़ चुका है, लेकिन हम लोग उस युद्ध पर खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं, हम लोग गोल सेट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर विश्व पितामह के आगे शिखंडी को खड़ा कर दिया गया, तब जाके विश्व पितामह को रास्ता से हटाया गया, वो भी मरते हुए नहीं, तीरों से छलनी करके। उसी तरह हमारे आगे खड़ा किया जा रहा है रॉयल्टी, हमारे आगे खड़ा किया जा रहा है शॉपिंग पोर्टल, हमारे सामने खड़ा किया जा रहा है फॉर्चून वायलेट, हमारे सामने खड़ा किया जा रहा है इंजन सर्च, हमारे सामने खड़ा किया जा रहा है बहुत सारे सेक्टर, सीम टावर, बहुत सारे जो सपनों से भी बड़े हैं, ऐसा ऐसा चीज हमारे सामने खड़ा कर रहा है डॉक्टर डेनियल जॉनसन। युद्ध जितना तो डॉक्टर डेनियल को तो खड़ा करना ही पड़ेगा, अगर पांडवों का युद्ध जितना था शिखंडी को खड़ा किया था, तब जाके आपको विश्व पितामह को हटाया गया था रास्ता से। उसी तरह से डॉक्टर डेनियल जॉनसन ये सब खड़ा कर रहे हैं हमारे सामने, शॉपिंग पोर्टल आ रहा है, रॉयल्टी आ रहा है, फॉर्च्यून बेल्ट आया है, तो इसके ललक में हम लोग युद्ध करेंगे और लड़ेंगे भी, और लड़ते भी हैं और लड़ेंगे भी, तो सोचना उनको काम है। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ, गोल सेट करने के लिए आप गोल सेट कर सकते हैं, तो आप वर्किंग करके गोल सेट करिए, इन्वेस्ट करके नहीं। आपका इन्वेस्ट करते हैं वो कोई गोल सेट नहीं है, गोल किसी के औकात नहीं है सेट करने के लिए, है तो आज पर लगा ऊटो पुल सज जाता, आज कोई आदमी बैठ कर रोता नहीं, कोई आदमी किसी उंगली नहीं उठाता कि सर अभी तक मेरा ऑटो पुल नहीं आया, साल भर हो गया, लेकिन 75,000 एक एक लाख 5-5 लाख 20-20 लाख लगा चुका है, लेकिन पर नहीं खड़ा पा रहा। थैंक यू दोस्त वेरी मच, आज का सेशन मैं यहीं पर लूंगा। मैं तहे दिल से सभी से नमस्कार करता हूँ जो मेरी वर्ड कहानी को सुने हैं, मैं तहे दिल से अपने होस्ट को रतन अजवाज को मैं इस मंच पर आने का आज्ञा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, कम ऑन द स्टेज रतन सर जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, आपने इतनी सुंदर तरीके से हम सभी को मोटिवेशनल किया है और दिशा निर्देश देने का जो काम किए हैं, वाकई काबिले तारीफ है कि आपने इतनी सुंदर वाणी से हम लोगों को जो दिशा निर्देश दिए, इसके लिए पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।